हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश दीप एडू एंड आई एम योर होस्ट दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ इंग्लिश के लिए, जिससे आप इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप सीटेट कर रहे हो, यूटेट कर रहे हो, कोई भी TET एग्जाम हो या इंग्लिश से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और आपके पास बहुत कम समय है और आपने तैयारी नहीं कर रखी, फिर भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिन बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट बनेगा। तो पहले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल्स के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉडल्स, अगर मॉडल्स भरने के लिए आते तो कैसे भरेंगे हम मॉडल्स। जैसे आप देखिए यहाँ पर भी कुछ ट्रिक्स हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब अगर वहाँ उसने कह दिया वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, अब आपको क्या करना है, आपने जैसे इस वर्ड को दिखाया LEST लेस्ट, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमेशा शुड आएगा। तो आपको हमेशा अपने माइंड में ध्यान में रखना है कि भाई LEST वर्ड जहाँ आ जाएगा LEST, लेस्ट मिस होता क्या है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे वर्क हार्ड मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो अगर आप वहाँ पर लेस्ट देख लेते हैं LEST लेस्ट, तो 100% वहाँ पर शुड ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो ये एक ऐसी हिंट है, एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप केवल लेस्ट देखिए, लगा दीजिए शुड और आपका बिल्कुल सही होगा, गलत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि LEST लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो होता है, इसलिए यहाँ पर कभी नॉट भी नहीं आ सकता। जैसे अगर यू शुड नॉट फेल कर दोगे आप, मतलब नॉट, तो नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, मतलब अपने आप में ना मतलब नेगेटिव लिए हुए, तो आपको क्या करना है, केवल यू के बाद शुड लगाना है। तो जहाँ भी लेस्ट आएगा तो 100% ध्यान रखिए वहाँ शुड ही लगाएं और नॉट नहीं आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई कम इन सर। अब ये भी एक हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सर और मैडम जहाँ पर आता है और यहाँ परमिशन ली जा रही है, और सर और मैडम जहाँ आपको दिख जाए वहाँ पर मे का प्रयोग होता है, तो पहले बार गलत शुड हो गया। तो अगर सर और मैडम करके कोई परमिशन ली जा रही है तो आप 100% वहाँ मे लगाइए, ये बहुत हद तक आपका मतलब आपका सही होगा। नेक्स्ट है I-speak English। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसे कही जा रही है कि मतलब ये कर सकते हैं, कर सकने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, मशीन कुछ कर सकती है, मैं कुछ कर सकता हूँ, या कोई भी पर्सन अगर कोई कुछ कर सकता है और वो प्रेजेंट में टॉकिंग हो रही है तो कैन लगाएं, अगर पास्ट है तो कैन का कुड हो जाएगा। जैसे I-speak English, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैन। जहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं या कोई चीज़ कर सकती है तो कैन लगाइए, कैन का पास्ट में कुड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि टेंस पास्ट में जा रहा है तो वहाँ कुड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है इसलिए कैन लगाया। नेक्स्ट है यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव माने होता है कामना सूचक वाक्य। तो अगर किसी भी वाक्य में अगर आपको लगता है विश है, विश माने कामना, कर्स माने श्राप और प्रे माने प्रार्थना। अगर आपको लगता है विश, कर्स और प्रे है, अगर आपको लगता है शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक अगर आपको दिख जाता है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए शुरू में फिल इन द ब्लैंक है और आपको लगता है भाई यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जी, ये तो कोई विश है, ये तो कोई कर्स है, ये प्रे है, तो आप 100% वहाँ पर मे लगाइए। और एक चीज़ और है, ऑप्टेटिव मार्क में हमेशा ये साइन भी जरूर लगेगा, कामना सूचक चिन्ह, जिसे हम ऑप्टेटिव मार्क कहते हैं। इसका नाम हर जगह अलग अलग होते हैं, ये अलग बात है। तो यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर 100% मे लगेगा, कभी गलत नहीं हो सकता। विश, कर्स और प्रे हो, अगर शुरुआत में डिक्शन खाली है तो आप मे लगा के आइए, बिल्कुल 100% सही होगा। नेक्स्ट, यू गो टू हेल। जैसे मैंने अभी बताया था शुरू में फिल इन द ब्लैंक है, फिर से अगर हम देखते हैं यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो श्राप दे रहा है, कर्स कर रहा है, तो आप क्या लगाइए, मे लगाइए। अभी हमने बताया आपको विश, कर्स और प्रे में आपको मे ही लगाना है। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीष दे। देखिए यहाँ पर फिर से आगे शुरू में फिल इन द ब्लैंक है, तो मे गॉड ब्लेस यू कि प्रार्थना की जा रही है भगवान से, जहाँ गॉड आ जाएगा शुरू में फिल इन द ब्लैंक है, 100% सही है, मे लगा के आइए। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास। अब यहाँ देखिए इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कह रहा है अगर तुमने मेहनत की होती यू डैश पास, तो तुम पास हो गए होते। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वुड हैव के साथ इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ये पास होना चाहिए, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो जाते, और वुड हैव है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते। अगर किसी में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो दूसरे में
श्योरली वुड हैव ही लगेगा मॉडल और प्लस मेनर की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। नेक्स्ट इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई। अब देखिए अगर आप यहाँ देख रहे होंगे आई के साथ वर यूज हुआ है तो आपने पढ़ा होगा, अगर ग्रामेटिकली अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा सिंगुलर के साथ वॉज आता है, ही सी इट आई वॉज होता है, लेकिन नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये होगा, वो सिंपल सेंटेंस में होता है, लेकिन अगर किसी में अगर इमेजिनेशन है सपोज किया गया है कल्पना की गई है तो वहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर का ही यूज होगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में कि वहाँ पर इमेजिनेशन है कल्पना की गई है तो श्योरली ये मस्ट है कि दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वुड ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है वुड का प्रयोग होगा अगर यहाँ पर इमेजिनेशन होगी। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट डैश रेन टुडे, अगर आपको लगता है कि भाई मौसम वाली बात है तो वहाँ पर मे लगाइए सही होगा अगर प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में पास देखना कभी ना भूलें। जैसे यहाँ पर लगा इट डैश रेन टुडे, बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, हॉट आज का दिन गर्म हो सकता है, तो भाई मे लगेगा क्योंकि वहाँ मौसम की बात हो रही, तो मे ही लगाइए इट मे रेन टुडे। अगर ये पास्ट में होता तो मे का माइट हो जाएगा। इट डैश बी हॉट टुडे, आज का दिन गर्म हो सकता है, तो इसमें भी क्या लगेगा मे का यूज होगा। इट डैश रेन लास्ट नाइट, देखिए यहाँ पर भी संभावना है क्योंकि मौसम वाली बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट आया है इस वजह से मे की जगह पर यहाँ पर लगेगा माइट। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो क्या होता आई वुड फ्लाई, तो यहाँ पर भी इमेजिनेशन है जैसा कि अभी पहले बताया था, रिपीट हो गया। ओके नेक्स्ट, सर्टेनली ही डैश पास, जहाँ सर्टेनली आ जाए, डेफिनेटली आ जाए, श्योर आ जाए, श्योरली आ जाए, तो भाई हाँ इसका मतलब बात पक्की है और वहाँ पर लगाइए मस्ट। सर्टेनली ही मस्ट पास, अवश्य उसे पास हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसकी जगह पर प्रोबेबली परहैप्स, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोबेबली परहैप्स नॉट श्योर, अगर ऐसी वाली बात है जहाँ पर पक्का नहीं है तो इसका मतलब संभावना कम है, तो वहाँ पर लगेगा माइट। इसी तरीके से आई डैश किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहाँ पर क्या अगर आपका आपने पढ़ा होगा तो आई और बी के साथ शैल आता है, टेंस में पढ़ा होगा, आई और बी के साथ शैल यूज होता है और बाकी साथ विल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है विल आएगा, आई विल किल यू। अगर धमकी वादा चेतावनी जैसी अगर कोई चीज़ होती है सेंटेंस में तो वहाँ पर उलट हो जाता है शैल और विल का, आई के साथ विल, आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर आएगा आई विल किल यू क्योंकि यहाँ पर धमकी दे रखी। वी डैश टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये जो दिया है शुड ऑट और मस्ट, तो देखिए ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें टू लगा रहता है, तो अगर आप देखेंगे और चाहिए का मतलब निकल रहा है वी टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑट आएगा क्योंकि ऑट ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें ऑट के बाद टू आता है, जिसमें टू आता है और साथ में उसका जो मतलब है वो चाहिए होता है, तो यहाँ पर ऑट आएगा। शुड और मस्ट में तो टू लगता नहीं है तो वो तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑट का ही प्रयोग होगा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट ऑट, तो आप टू देख कर डिसाइड कर सकते हैं कि चाहिए का मतलब मिला है तो ऑट लग जाएगा। नेक्स्ट, वी डैश ओबे द लॉ, लॉ माने कानून, हमें कानून का पालन करना चाहिए, तो कानून का पालन करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा मस्ट, तो जो नॉर्मल होता है वहाँ शुड आता है, जहाँ जरूरी होता है वहाँ मस्ट आता है। ही डैश स्मोक बट नाउ ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, अब अगर वह स्मोक लेकिन अब वो छोड़ चुका है स्मोकिंग, मतलब वह स्मोकिंग किया करता था, भूतकाल की आदत या भूतकाल की बातें जो अब ना हो प्रेजेंट में वहाँ पर लगता है यूज टू, ही यूज टू स्मोक, वह स्मोक किया करता था लेकिन अब उसने स्मोकिंग छोड़ दी। आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद नहीं है, बट आई ड्रिंक मिल्क, आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद नहीं लेकिन मुझे दूध पीना पड़ता है, तो यहाँ पर मजबूरी ध्यान हैज टू आ जाएगा, सॉरी ये हैव टू होगा, हैव टू ये क्या होना चाहिए, हैव टू होना चाहिए, हैज टू सिंगुलर के साथ है, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क लेकिन मुझे दूध पीना पड़ता है, विल हैव टू फ्यूचर में मजबूरी दिखाने के लिए था और हैव टू पास्ट में मजबूरी दिखाता है। तो जो नौ मॉडल मैंने आपको बताए, आप अगर इसके मॉडल के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी की तरह अच्छी, पूरी अच्छी तरह से आप वहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट, अच्छा अगर नॉन फाइनाइट भरना हो तो क्या करेंगे हम, नॉन फाइनाइट कैसे भरेंगे, अब इसे देखते हैं। देखिए इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन ये स्विमिंग स्विम या टू स्विम, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर जो वर्ब है वो एज ए नाउन काम करती है, जो सब्जेक्ट काम करती है तो ज़्यादातर वहाँ पर आई एन जी लगाया जाता है, इज गुड फॉर हेल्थ, देखिए स्विमिंग क्या है अच्छी है हेल्थ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है एज ए नाउन काम करिए, जो सब्जेक्ट काम करिए वहाँ पर आई एन जी लग जाएगा। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ,
अब ये क्या है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं, देखिए एक तो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है वांट, आई डोंट वांट, उसके बाद एक और वर्ब आ रही है तो उस वो किससे जुड़ेगी, टू से जुड़ेगी। तो हमेशा जो दूसरी वर्ब होगी, जब एक सेंटेंस हो और उसमें दूसरी वर्ब हो जो पर्पस उद्देश्य को दिखाती हो, तो वहाँ हमेशा टू लगेगा। जैसे आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ क्या करना, टू टॉक, आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। आई सॉ सम बर्ड्स, मैंने कुछ चिड़ियों को देखा इन द स्काई, आकाश में। अब यहाँ पर अगर मीनिंग निकालें, हमने कुछ चिड़ियों को देखा, मैंने कुछ चिड़ियों को देखा आकाश में उड़ते हुए, तो यहाँ पर जो ये जो फ्लाई वर्ड है ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है और ये बता रहा भी ये जो कंटिन्यूस है उनका उड़ना, वो कंटिन्यू उड़ते हुए, फ्लाइंग। आई फाउंड द डोर, मैंने डोर को पाया। डोर कैसा था, लॉक, लॉकिंग या लॉक्ड। अब वो डोर जो होगा वो पहले से ही लॉक होगा, तो जो पहले से ही है उसमें लॉक्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जो वर्ब है, वर्ब जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। तो यहाँ पर जो लॉक्ड है वो मतलब ये बता रहा है कि वो डोर पहले से लॉक था। नेक्स्ट, हैविंग, हैविंग अगर आपको कभी दिख जाए तो 100% थर्ड फॉर्म का ही यूज करें। हैविंग फिनिश माई वर्क आई वेंट टू प्ले, अपना काम खत्म करके मैं खेलने चला गया। तो जहाँ पर भी हैविंग आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, 100% सही है ये भी। सी इज़ टू फैट, वो इतनी मोटी है टू वॉक प्रॉपरली, अगर ये टू आएगा ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये टू और ये टू एक सेंटेंस में आते हैं तो नेगेटिव मीनिंग का काम करते हैं। तो ये जो टू लगा हुआ है, टी डब्लू टू, इसका मतलब एक्सट्रीमली, मतलब हद से ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा मोटी है कि वो चल नहीं सकती, तो टू वॉक हो जाएगा। ही मेड मी, वह उसने मुझे क्या किया। जहाँ मेक, मेड, मेड वर्ब आ जाती हैं तो मतलब, और वहाँ पर कोई क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से शुरू कराई जा रही हो तो वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ही मेड मी लाफ होगा, उसने मुझे हंसाया, या ही मेक्स मी सैड, ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी वीप। तो जहाँ कोई क्रिया करवाई जा रही हो और मेक, मेड, मेड आ जाए, और तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, आई गॉट माई रेडियो, मैंने अपने रेडियो को क्या करवाया, रिपेयर करवाया। अब जहाँ पर कोई चीज़ खुद ना करके किसी और से करवाई जाती है और गेट गॉट क्रिया आ जाए तो वहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, आई गॉट माई रेडियो रिपेयर्ड, मैंने अपना रेडियो रिपेयर करवाया। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, और ये तो हमें तो ध्यान रखें, जहाँ पर टी ओ टू आता है वहाँ पर टू का ही प्रयोग हुआ। तो सी इज़ टू फैट टू वॉक, नेगेटिव मीनिंग का काम करेगा। नेक्स्ट, ऑन न्यूज ऑफ इज फादर। अब देखिए अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है और अगर उसके बाद अगर आपको वर्ब लिखनी है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा, ऑन हियरिंग द न्यूज। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन है, ऑन ही नहीं, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, फॉर। आई फाउंड माई बुक, मुझे मिली मेरी, टू लॉस, लॉस्ट, तो इसमें क्या आएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉस का जो थर्ड फॉर्म लॉस्ट, वो इसका काम कर रहा है कि मुझसे खोई हुई किताब, मतलब वो जो पहले से खोई थी। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्रिया का थर्ड फॉर्म जो था विशेषण का भी कार्य कर सकता है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मुझे मेरी खोई हुई किताब मिली। हंगरी सी टुक फूड, अगर शुरू में फिल इन द ब्लैंक हो और तो हमेशा एनजी लगाएं। बींग हंगरी, भूखा होने के कारण उसने फूड खाया। नेक्स्ट है, टाइगर ही रेन अवे, देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक स्टार्टिंग में है और जब दो काम तुरंत होते हैं तो वहाँ पर भी आईएनजी लगता है। जैसे टाइगर देखा, ही रेन अवे, वो भाग गया, तो सीइंग द टाइगर ही रेन अवे, टाइगर देखकर वह भाग गया। और अब अगर आपको नॉन फाइनाइट की भी वीडियो चाहिए, और इसमें मैंने डिटेल में दिया है, मैंने यहाँ तो एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन नॉन फाइनाइट की वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दे रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब। अब रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब कैसे भरेंगे देखते हैं। दिस इज़ अ प्लेस आई वॉज बॉर्न, ये जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ होता है उसे, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो उसका मतलब जहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर क्योंकि प्लेस के बारे में बात होती है वेयर लगेगा। ओके, टेल मी, मुझे बताओ, ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुँचेगी। वैन, ट्रेन विल अराइव, कि ट्रेन जिस समय पहुँचेगी। अब क्योंकि टाइम के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वैन लगेगा। तो जहाँ टाइम के बारे में बात होगी वहाँ वैन लगेगा, जहाँ स्थान के बारे में बात होगी वहाँ वेयर लगेगा। वेयर का मतलब जहाँ, वैन माने जब या जिस समय। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, टीचेस इन दिस स्कूल, जो इस स्कूल में पढ़ाता है। देखिए जब मैंने सेंटेंस का मीनिंग डाला, मैं राम को जानता हूँ जो, तो राम क्या कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टीच से पहला है, वर्ब से पहला है, तो यहाँ पर हु लगेगा। अगर किसी भी पर्सन के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात की जाती है और वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा तो वहाँ पर हु का प्रयोग होगा। मैं राम को जानता हूँ जो इस स्कूल में पढ़ाता है, हु का मतलब जो हो गया। आई नो राम, फिर से देखिए अगला सेंटेंस,
मैं राम को जानता हूँ, आई सॉ इन द पार्टी, जिसे मैंने पार्टी में देखा भी है। यहाँ पर जो राम है वो दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर वैसे सब्जेक्ट नहीं बना। जैसे अगर पहले में देखे तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ हुम आएगा, क्योंकि राम जो है दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, जिसे मैंने पार्टी में देखा, वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हुम आएगा, यहाँ पर अलग से सब्जेक्ट आया आई। नेक्स्ट, आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ पिताजी। अब ये देखिए, मैं राम को जानता हूँ पिताजी इस स्कूल में पढ़ाते, जिसके पिताजी, मतलब जहाँ पर रिलेशन दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर हुज लगेगा। मैं राम को जानता हूँ जिसके पिताजी इस स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई सो अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो सो रहा था। जहाँ पर किसी जानवर या निर्जीव चीज़ के बारे में बात की जाएगी और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वहाँ लगेगा विच, विच का मतलब भी जो होता है। मैंने एक कुत्ते को देखा जो बाहर सो रहा था। आई हैव अ बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक किताब है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अभी मैंने बताया था, अगर नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे या एनिमल के बारे में बात करेंगे, हमेशा प्रेफर करेंगे विच, विच ही लगेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता, टीचर से, जो टीचर ने कहा, यहाँ पर आएगा व्हाट। अब व्हाट का बात है, जब विषय वस्तु दी हो, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका पता ना हो तो वहाँ पर व्हाट लगता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, टीचर ने कहा, अब टीचर ने क्या कहा है वो नहीं पता है, तो यहाँ पर व्हाट लगेगा। इसी तरीके से और कोई सेंटेंस देखें, जैसे ही गेव मी अब, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि उसने क्या दिया, व्हाट ही गेव, जो उसने दिया। तो जब विषय वस्तु ना पता हो तो वहाँ पर व्हाट का प्रयोग करते हैं जो के अर्थ में। अब बारी है आर्टिकल की। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल एजेंडा को कहते हैं, आर्टिकल्स कैसे भरने हैं, इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना हुआ है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे पूरा देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें आई सो यूरोपियन, अब यहाँ पर क्या लगा, ए यूरोपियन क्यों लगे। अब आप सोचें ई आया है, एन लगना चाहिए, मैंने इसे अपनी पहली वीडियो में बताया है। जहाँ पर अ से आहा का साउंड होगा, वावल साउंड होगा, वहाँ लगेगा एन, और जहाँ क से ज्ञ का साउंड होगा वहाँ लगेगा ए। तो आप हमेशा साउंड पर जाइए देखने के लिए, नहीं कि ए ई आई यू को देखा और लगा दिया आपने तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा साउंड पर जाना है ए और एन लगाने के लिए, ओके। तो देखिए, आई सो यूरोपियन, जब हम यूरोपियन बोले या ए यूरोपियन, आई हैव आवर, इसे आवर पढ़ते तो एन आवर, मैन इज मॉर्टल, अब ये देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर मैन और वुमन आते हैं सिंगुलर में और वो यूनिवर्सली काम कर रहे हो तो हमेशा उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, जब हम एक मैन के बारे में बात करें वो पूरी क्लास को ले रहा है, सभी को ले रहा है, वो सर्वव्यापी अर्थ में आ जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जर्मन डिफीटेड फ्रेंच, द जर्मन डिफीटेड द फ्रेंच, अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर जर्मन भाषा भी है और फ्रेंच भी भाषा है और लोग के लिए भी यूज हो सकता है, अगर वो लोगों के लिए यूज हो रहा हो, अगर भाषा का प्रयोग अगर लोगों के, वहाँ के लोगों के बारे में यूज हो रहा हो तो वहाँ पर द लगेगा, द जर्मन, द जर्मन मतलब जर्मन लोगों ने फ्रांस वालों को हराया, ना कि भाषा ने हराया। तो यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच दोनों ही भाषा लोगों के लाए हैं, इसलिए हमें द लगा के द जर्मन मिस हो गया, जर्मन पीपल, द फ्रेंच मिस हो गया, फ्रेंच पीपल। ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपर लेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, याद रखिएगा। जहाँ मोस्ट आएगा और ई एस टी लगा हो, एस टी लगा हो एडजेक्टिव के साथ, तो 100% वहाँ पर द का प्रयोग ही होगा। हायर यू गो कूलर यू फील, अब ये कम्पिटेटिव डिग्री है, ई आर या मोर लगाकर बनती है, और देखिए हायर जो है वो गो को मॉडिफाई कर रहा है, कूलर फील को मॉडिफाई कर रहा है। जहाँ पर कम्पिटेटिव डिग्री एडवर्ब का काम करे, विशेषता बताने का काम करे, क्रिया की विशेषता बताए, वहाँ पर द का प्रयोग हुआ। द हायर यू गो, जितना ऊपर तुम जाओगे, द कूलर यू फील, उतना कूलर तुम्हें महसूस होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैव कम, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैनेजर और प्रिंसिपल आया है और यहाँ पर हैव लगा हुआ हैव ये बता रहा है कि भाई ये दोनों अलग अलग लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के आगे ही द लगेगा, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल हैव कम। नेक्स्ट, मैनेजर एंड प्रिंसिपल, इसे हम कर देते हैं हैच कम, ठीक है। मैनेजर और प्रिंसिपल आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर केवल एक ही के आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हैज लगा दिया है तो दूसरे के आगे कुछ नहीं आएगा, तो ये वाला बी ऑप्शन सही है, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज कम, क्योंकि जो मैनेजर और प्रिंसिपल है वो ये दिखा रहे हैं कि वो एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आर्टिकल के लिए अगर आपको देखनी हो, इसमें डिटेल में जाना चाहें, आप डिटेल में देखना चाहें, तो इसके लिए भी वीडियो दी है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी।
फोनेटिक्स होता है, सॉरी, फोनेटिक्स के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये होता है मतलब किसी भी स्पीच को, किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को बोलते समय जो साउंड उत्पन्न होती है उसका जो साइंस है, उसके जो विज्ञान है, उसकी जो स्टडी है, उसे फोनेटिक बोलते हैं। हाउ मैनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश? अच्छा, अगर आप पे आता है वावल कितने होते हैं तो आप सीधे कहेंगे भाई वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। हाउ मैनी कंसोनेंट्स आर देयर? कंसोनेंट्स पूछते हैं तो आप कहेंगे भाई 21 होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन रुक जाइए, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी वावल साउंड आर देयर इन इंग्लिश, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। हाउ मैनी वावल साउंड, वावल साउंड कितने होते हैं? तो वावल साउंड जो होते हैं वो होते हैं 20। ठीक है, 20 होते हैं। अब ये साउंड के आधार पे होते हैं, और इसके लिए आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूंगा, मैंने एक पूरी वीडियो बना रही है करके फोनेटिक्स पर, तो आप देखिए और आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। मैं अभी यहाँ पर आपको केवल यही बताऊंगा कि ये इतने होते हैं, वावल साउंड होते हैं 20, क्योंकि ये बोलने के आधार पर है, ना कि सीधे उसके आधार पर। टोटल स्पीच साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल स्पीच साउंड 44 होते हैं। जैसे हम कहते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो हम टोटल अल्फाबेट्स बताते हैं 26 होते हैं, जिसमें 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 वावल होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है टोटल स्पीच साउंड कितने होते हैं, हमेशा कहिए 44 होते हैं, जिसमें से 20 वावल साउंड होते हैं और 24 होते हैं कंसोनेंट साउंड। तो 20 टोटल स्पीच साउंड कितने? 44। वावल साउंड कितने? 20। और कंसोनेंट साउंड 24। 20 and 24, 44। ओके, तो हमें तो ध्यान रखिए 44 टोटल स्पीच साउंड है, 20 वावल साउंड है और 24 कंसोनेंट साउंड है, नहीं तो आपका कोई आंसर वो गलत हो जाएगा। हाउ मैनी प्योर वावल्स आर देयर इन इंग्लिश? प्योर वावल की संख्या कितनी होती है? प्योर वावल मतलब जिसमें केवल एक ही वावल यूज होता है, दूसरा वावल मिक्स नहीं होता है, वो होता है प्योर वावल। तो प्योर वावल की संख्या कितनी होती है और इम्प्योर वावल की संख्या कितनी होती है? प्योर वावल की संख्या होती है 12 और इम्प्योर वावल की संख्या होती है 8। ठीक है, प्योर वावल का मतलब है जिसमें केवल एक ही वावल साउंड आता हो, और जिसमें दो वावल साउंड आ रहे हैं, मिक्स वावल साउंड आ रहे हैं, वो होगा इम्प्योर वावल। सेमी वावल्स क्या होते हैं? सेमी वावल्स की संख्या 3 ही होती है, और ये वो साउंड होते हैं जिसमें मतलब रैपिड मूवमेंट होता है जीभ का, टंग का, और वावल दो होते हैं, दो वावल एक साथ बोले जाते हैं और रैपिड मूवमेंट होता है टंग का। तो कौन सा है? वो है YWH, हमें हैं Y, तो अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो इसमें दो वावल साउंड आ रहे हैं और आपका जो टंग का मूवमेंट है वो बहुत रैपिड है, तेज है, तो सेमी वावल YWH, ये आपको रटने पड़ेंगे। और वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड ग्रुप कौन सा है? वॉइसलेस का मतलब है जिसमें आवाज़, वॉइसलेस किससे कहते हैं? वॉइसलेस साउंड उनको बोलते हैं जिसमें आपका जो गला है उसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, और वॉइस्ड कहलाके जिसमें वाइब्रेशन होगी। जैसे अगर हम इसमें कहें PFT, तो PFT जो है वो वॉइसलेस कंसोनेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन, हमारे वोकल कॉर्ड में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। पी आप यहाँ पर अपने होठों की मदद लेते हैं, एफ ट टी की बोलने में आप तालू की, अपनी प्लेट की मदद लेते हैं, तो PFT वॉइसलेस है, जबकि वॉइस कंसोनेंट है जिसमें आपका गला भरभराएगा, उसमें वाइब्रेशन होगी, BMN जिसमें, तो इनको बोलने में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड्स कितने हैं? वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड है 9 और वॉइस कंसोनेंट साउंड है 15, जिसमें तो वॉइसलेस और वॉइस समझ गए होंगे, वॉइसलेस जिसमें वोकल कॉर्ड में कोई हरकत नहीं होती है, वॉइस और वॉइस कंसोनेंट मतलब जिसमें वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं, जिनको उनको वॉइस कंसोनेंट वॉइस्ड कहा जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोगों के साथ आप शेयर करवाएं, क्या पता कितने लोगों की इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको करिए। ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट भी ज़रूर आएगा, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, इन ट्रिक की मदद से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं।